महती अधोसंरचनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से संवाद कर उद्योगपतियों के साथ उद्योग परिदृश्य पर चर्चा के साथ ही 32,000 परिवारों की पेयजल समस्या को दूर करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमृत मिशन योजना का किया लोकार्पण। दुर्ग जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने शुक्रवार को पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करते हुए जिले के व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग की पहचान भिलाई स्टील प्लांट से होती है। उन्होंने कहा कि जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के युवाओं में उद्योग के प्रति कोई उत्साह दिखाई नहीं देता। उन्होंने युवाओं में उद्योग के प्रति स्किल पैदा करने की बातें कहीं। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि रायपुर की तर्ज पर दुर्ग जिले में भी होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से जिला कलेक्टर को निर्देशित करते हुए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित शहर विधायक अरुण वोरा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उद्योगपति मौजूद रहे। इसी कड़ी में शहर में महती अधोसंरचनाओं के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनसे लाभान्वित होने वाले वर्गों से संवाद कर प्रयास हॉस्टल के लोकार्पण के दौरान वे छात्र छात्राओं से क्लासरूम में भी मुलाकात की, साथ ही बच्चों के साथ संवाद के बाद लंच भी किया और 32,000 परिवारों के पेयजल समस्या को दूर करने मुख्यमंत्री अमृत मिशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की इस योजना के माध्यम से 32,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। इसके अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तारीकरण तथा 5 टंकियों का निर्माण कार्य भी शामिल हैं। साथ ही 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी हाईटेक सर्जिकल यूनिट का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इसमें 10 बेड आईसीयू के होंगे। हाईटेक सर्जिकल यूनिट के साथ ही क्रिटिकल केयर की सुविधा से जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय सुविधाओं के अपडेटेशन की दिशा में बड़ा काम हुआ है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हमर लैब का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। वहीं 10 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल भी तैयार किया गया है। यहां 54 यूनिट में लोगों के रहने की सुविधा है, जिसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और गैलरी हर यूनिट में रखे गए हैं। यहां 6 स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले अधिकारियों के लिए यह सुविधा रखी गई है, ताकि आवास आवंटित होने तक यहाँ रहा जा सके। इसी कड़ी में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी तैयार किया गया है। 3,55,00,000 रुपए की लागत से बने इस हॉस्टल में 100 कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। भिलाई के हमारे अपने सभी उद्योगपतिगण और चाहे वो स्टील से जुड़े हों, चाहे सैलरी से जुड़े हुए हों, चाहे राइस मिल से जुड़े हुए, सभी उपस्थित, सभी संगठन के सब साथी, फिर इसके पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं और हमारे पत्रकार मित्रों, पूरे भारत के मानचित्र में एक औद्योगिक जिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश के दूसरे कोने में जाएं और पूछें दुर्ग कहाँ है, यदि आपसे पूछा जाए कहाँ से आए दुर्ग से, तो थोड़ा सा सोचने लगता है कि दुर्ग कहाँ पर है। लेकिन यदि आप भिलाई बता देंगे तो कोई भी कहेगा हाँ भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि जो नवरत्न में से जो स्टील सेक्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा भिलाई स्टील प्लांट, जो नेहरू जी के समय से स्थापित, तब से लगातार औद्योगिक क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद उससे जुड़े हुए जितने उद्योग हैं वो यहाँ इसकी शुरुआत हुई, और साथ ही साथ औद्योगिकरण भी हुआ, लोगों को रोजगार भी मिला और देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भिलाई ने भी और यहाँ के उद्योगपतियों ने भी निर्वहन किया। साहू जी, आदरणीय चौधरी जी, आदरणीय अरुण जी, महापौर जी, सभापति जी और सभी
थे हमारे पार्षद मरियम बाबू, आप सब से मिलने का अवसर मिला। सब लोगों ने बहुत ही आत्मीय स्वागत भी किया और साथ ही यहाँ के विकास के बारे में जानकारी दिया, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई और डिमांड की। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पार्षद सरकार के कार्यों से प्रसन्न है, खासकर मानदेय और हमारे जो वार्डों में काम करने वाले लोग यदि सब अच्छी तरह रहेंगे तो निश्चित रूप से मतदाताओं भी मुस्कुरा के बात करेंगे। जब आप मुस्कुरा के बात करेंगे तो आधी समस्या अपने आप ही बढ़ जाएगी, तो इसलिए मदन भैया के चेहरे मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। एक अच्छी बात, बहुत दिनों से डिमांड भी थी निधि वृद्धि हो और मानदेय में वृद्धि हो, तो उनको लोगों ने किया। मंत्रिमंडल के सभी साथी लोग बैठे हैं, सबको आपको धन्यवाद दिया। रही बात विकास की, तो दुर्ग में लगातार निर्माण कार्यों की और स्वीकृति की कोई कमी नहीं आ रही। पिछले दिनों भी जैसा भी नेताजी ने कहा कि 40 करोड़ के दर थे, मुझे बता रहे थे कान में कि 6 महीने में 40 करोड़ फोन दे चुके और आने वाले समय में भी पैसे कोई कमी नहीं होगी। अब ये है कि किसी वार्ड में कुछ कम हो सकता है, किसी वार्ड में कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यदि आप 1 करोड़ की बात करें अब वहीं की खड़ी भी है 3 करोड़ का 3.5 करोड़ का एक बिल्डिंग हो गया, इसलिए अब सभी सांसदों ने बात की कि मुख्य सड़कें हैं वो सब बन गया, पुलिया बन गया, सब हो गया। अब गलियों की बात, गली भी बनना चाहिए और नाली भी बनना चाहिए, निश्चित रूप से उसके लिए राशि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, वो भी पूरा करेंगे। आप सबने बहुत आपकी स्वागत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है, आप सब चले गए भी विभिन्न कार्यक्रम में, आप लोग भी शामिल होंगे। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दुर्ग शहर में आए हैं और लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन यहाँ कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि बहुत ही दिल से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मानदेय को डबल किया, महापौर निधि और पार्षद निधि को दोगुना किया, मैं फिर से चाहता हूँ जोर से, जो हमारे पार्षद साथी दिन भर मेहनत करके अपने वार्डों में मेहनत करते हैं, कभी दुर्गा चंदा गणेश चंदा से लेकर सभी चीजों का पूरा ध्यान रखते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सबकी पीड़ा को सुन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात सुनी, हमारे प्रशासन मंत्री श्री रहेंगे जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज लगभग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके आज हम लोग सब बहुत परेशान रहे कोरोना काल में, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा में जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जेनरिक दवाई दुकान, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर और मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना जैसी योजनाएं जो सीधे जनता से जुड़ रही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ और एक अभिनंदन पत्र। दुर्ग में मीटिंग भी है, रायपुर में मीटिंग भी है, बहुत ज्यादा बात अवला करते हुए क्योंकि सबों बात हमारे मंत्री मन हमारे पूर्व मन हो चुके हैं, तो आप मन दिन भर से कार्यक्रम सफल बनाए में जिस सहयोग से और आप सबका धन्यवाद देते हुए मेडिकल मोबाइल यूनिट होकर और साथ स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा अब हमारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, ओकर माध्यम से गरीब लड़का मन भी ओको घर के लड़का मन भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर सका,
तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमारे सरकार के द्वारा काम हो कोई कमी नहीं आंदा, ये बात की विश्वास आप जिला मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ, जब हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हमारा प्रतिष्ठा गुरु का व्यवहार है तो वहाँ एक हाथी के स्टोटर होना चाहिए, ये बात के बिल्कुल सहमति होकर मैं घोषणा कर रहा हूँ। हुआ थे पार्षद मंत्री बैठे तब एक चर्चा हुई जब मुख्य सड़क मन सबको हमारे बन गए, बहुत सुंदर बन गए, अब हमारे गली के जिन सड़क है नाली है एकरो निर्माण मन पर भी राशि के मांग हमारे साथ साथी मन करे, बहुत संतुष्ट हमारे सब पार्षद साथी मन रहे, चाहे हमारे पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो चाहे निर्दलीय हो, सब मन ये बात की प्रसन्नता जाहिर करे कि उकर मन के जिन पार्षद निधि है उकर वृद्धि हो है डेढ़ गुना और साथ ही जिन मानदेय है जिन दो गुना किए गए तो निश्चित रूप से उत्साह पूर्वक हमारे पार्षद मन जहाँ काम करे तो क्षेत्र के विकास में छोटे छोटे जो डिमांड रहते उपर होते हमारे पार्षद के माध्यम से हुई, ऐसे वाला नहीं बताया वो पैसे तुम्हारे मान के ना सांसद के 5 करोड़ और विधायक के 4 करोड़ तो समझ लो 8 विधानसभा में 32 करोड़ जाए उसके तहसीलदार के 5 करोड़ जाए, कभी अंतर है और हम दूसरा कोरोना काल में देवे नहीं करी तो आज विकास के काम पर पैसा के कोई कमी नहीं आंदन कोई प्रकार से आदमी की जो जरूरत केवल सड़क और नाली तक के नहीं है नल तक के नहीं है बल्कि उसके अलावा भी अनाज की भी जरूरत है तो 35 किलो चावल हर परिवार वेतन 4 मिनट तक बिजली बिल आधा करें, स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक सुंदर आपके हॉस्पिटल पहली जन जिला अस्पताल दे सकते हैं और आज जन जिला अस्पताल है दोनों का अंतर आप देख सकते हो, और साथ साथ इलाज कराए पर आज कोई भी डॉक्टर का जावे तो पहली बात वो ब्लड रिपोर्ट मांग लेते पैसा ले रिपोर्ट मांगते बहुत प्रकार के रिपोर्ट थे तो जनता डॉक्टर के फीस के लिए रहा लेकर ले जाता रिपोर्ट के खर्चा नहीं थे, इलाज भी जनता खर्चा नहीं आते कल जाना रिपोर्ट का खर्चा और कारण से लगभग 200 प्रकार के जांच अब हमारे जिला अस्पताल में हुई जन मुक्त हो और वहाँ प्रयास के लेखा मन के साथ संवाद होकर मन के साथ भोजन साथ ही उद्योगपति मन से उद्योग भवन में ऊपर मन से चर्चा और यहाँ के पार्षद मन से भी चर्चा हम करें तो लगातार आज दिन भर। वहीं लोकार्पण के आखिर में दुर्ग पुरानी गंज मंडी में इस अवसर पर आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में नगर निगम दुर्ग के 10 करोड़ रुपए की लागत के 88 कार्यों का, पीएचई विभाग के 21 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 20 कार्यों का, स्वास्थ्य विभाग के 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 6 कार्यों का तथा शिक्षा विभाग के 60 लाख रुपए के 1 कार्य का भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।